जमीयत उलमाए इस्लाम के प्लान बी के मुताबिक कराची समेत मुल्क के कई हिस्सों में शाहराहें दूसरे रोज भी बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी चार मकामात पर धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कराची में हब रिवर रोड पर जमीयत उलमा इस्लाम का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। घोटकी में भी नेशनल हाईवे पर कारकुनों ने धरना दिया हुआ है। ट्रैफिक मौतल है। बारिश के बायस मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा पर टेंट लगा लिए। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में पड़ा सामान भीग गया। तौंसा शरीफ में इंडस हाईवे पर पुल खड बुजदार बंद है। नौशहरा जीटी रोड पर हकीमाबाद के मुकाम पर कारकुनों का धरना है। धरने के शुरका ने बारिश से बचने के लिए टेंट्स का इंतजाम कर लिया। लोअर डील में बारिश के बावजूद पुल चौकी चकदरा में कारकुन सड़क पर बैठे हैं। मेन शाहरा पर धरने के बावजूद मुतबादिल रोड पर ट्रैफिक रवा दवा है। मानसेरा शहर में साबका टूल प्लाजा से शाहरा रेशम को भी बंद कर दिया गया। बनू में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी है। शहरी मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में JUIFA के कारकुनों का धरना जारी है। कराची क्वेटा डीजी खान शाहरा ब्लॉक कर दी गई। 18 नवंबर के बाद पूरे सूबे में लॉकडाउन का प्लान है।